कैंडिडेट से रिलेटेड भी बहस हुई है। कुछ कैंडिडेट्स को फाइनल किया गया है, लेकिन थ्रू आउट बहस इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पे होगी खान साहब के साथ, और फिर फाइनल फैसला होगा पार्टी का। हम ये एक ज़रूर कहते हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कैबिनेट वफाकी हुकूमत की बनी है, उस वफाकी हुकूमत की कैबिनेट में आपने देखा ज़्यादातर केयर टेकर सेटअप के इम्पॉर्टेंट लोग उसमें आए हैं। ये इस बात का सबूत है कि जो केयर टेकर सेटअप हम कहते रहे कि ये गुज़श्ता पीडीएम की हकूमत की एक एक्सटेंशन थी, और वो केयर टेकर नहीं थी, वो इम्पार्शल नहीं थी, और वो सारी एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे चल रहे हैं, वो इस बात की सबूत है कि वो लोग या वज़ीर आला बने या वज़ीरी दाखिला बने या बड़े उहदों पे बैठ गए, वो सारे वही लोग थे जो केयर टेकर सेटअप में थे और जो एक पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहे थे। मैं समझता हूँ और हम समझते हैं इस मौजूदा हुकूमत की भी कोई मॉरल क्रेडिबिलिटी भी नहीं रही कि उन लोगों को आपने ऐसे उहदों दे दिए जिनका तकाजा यही था कि वो इम्पार्शियल होंगे। हम इसकी मुजम्मत करते हैं। एनी क्वेश्चन? आज बर्फ़ पिघलने जा रही है, मुलाकात हो रही है। देखिए, हम तो कोशिश करते रहे कि बर्फ़ पिघले और हम आगे की तरफ बढ़े, लेकिन एक के बाद दूसरा आप हुकूमत के इकदाम को मद्दनज़र रखें, वो हमें बैक बर्नर पे लेके जा रहे हैं और हमें दूर से दूर लेके जा रहे हैं, जबकि हमारी कोशिश है कि पार्लियामान में बात करके हम आगे बढ़े, लेकिन हमारे टाइम नहीं मिलने दिया जाता, फिर हमारी बातों को टीवी पे म्यूट किया जाता है। जब हम खान साहब से मिलने के लिए आते हैं उस टाइम पे भी कतगन लगाया जाता है, पहले बताया भी नहीं जाता। तो ऐसे सरकमस्टांसिस में मैं समझता हूँ कि हमें इकट्ठा चलना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आगे देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में ये क्या करते हैं। दहशतगर्दी के जो खतरात हैं जो मुमकिन तौर पर हुकूमत की जानिब से बताए जा रहे हैं, उसके पेश नज़र मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है, आप क्या समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर खान साहब की जान को जो खतरात लाक हैं इसके हवाले से आप क्या कहें? देखिए, दहशतगर्दी एक सीरियस इशू है और हम नहीं चाहते कि मुल्क में किसी इस किस्म की दहशतगर्दी और किसी चीज़ को लाइट लिया जाए, लेकिन जहाँ तक खान साहब के मुलाकात की बात है तो उसको आइसोलेट करके किया जा सकता है। खान साहब शुड नॉट बी इन द जेल इन द फर्स्ट प्लेस, लेकिन अगर है तो हमने कहा हमें इतमाद में लेकर के आप जो भी स्टेप लेते हैं पहले हमें इतमाद में लेते हैं। लेकिन बताइए क्या वजह कि आपकी जमात जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो उससे दूर होती जा रही है, भागने की कोशिश कर रही है, जबकि सियासत में हमेशा मुज़ाकरात के दरवाजे खुले होते हैं, कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जाते। देखिए, मुज़ाकरात पे हम बिलीव करते हैं और मुज़ाकरात के दरवाजे हमने बंद नहीं किए, लेकिन इनके साथ किस बात पे मुज़ाकरात करें? पार्लियामान अभी एक्टिव है, पार्लियामान में बात करते हैं, मौका नहीं मिलता, रिक्वेस्ट करते हैं, फिर स्पीकर टाइम देता है, और जब बात करते हैं तो उसको म्यूट किया जाता है। देखते हैं आगे एक हफ्ते में क्या होता है।